बॉम्बे, दिल्ली और अनेक शहरों में चोरियां करने वाला टूर द थ्रोन ऑफ नागेश्वर राव। सर नागेश्वर राव राजनीति में जाता तो अपने तेज दिमाग से चुनाव जीत जाता, आर्मी में जाता तो अपनी हिम्मत से युद्ध जीत जाता। अनफॉर्चुनेटली वो एक क्रिमिनल बन गया सर। शेर बाघ जैसे जानवर भी एक कुंड तक दूध पीते हैं। सुपरस्टार मास महाराजा रवि तेजा की कैरियर का अब तक सबसे बड़ी मूवी जिसके नाम है टाइगर नागेश्वर राव और इस मूवी के ऑफिशियल टीजर को रिलीज कर दिया गया। दोस्तों पहली बार की साउथ इंडियन सिनेमा में एक खतरनाक मूवी देखने को मिलेगी जिसके अंदर हमें हाई लेवल के एक्शन सीन देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जबरदस्त स्टोरी भी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक खतरनाक चोर के ऊपर इस मूवी का स्टोरी आधारित होने वाला है जो कि 8 साल की उम्र से चोरी करना और खून करना शुरू कर लिया था और वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चोर बन चुका है और उसकी रफ्तार गोली से भी बहुत ही तेज है और उसकी दिमाग साइंटिस्ट से भी बहुत ही तेज है और उसकी बहादुरी एक आर्मी ऑफिसर से भी बहुत ही ताकतवर है। लेकिन एक दिन मद्रास की सेंट्रल जेल से भाग जाता है जिसको पकड़ने के लिए कई सारे ऑफिसर को नियोजित किया जाता है जिसके बाद कहने के नया मूड आता है जिसके आगे कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो इस मूवी आपको सुपरस्टार रवि तेजा की चोर की किरदार में नजर आएंगे और इस टीजर में मुझे एक सीन बहुत ही अच्छा लगा जो कि ब्रिज के ऊपर सुपरस्टार रवि तेजा दौड़ते हुए जाते हैं और इस टीजर को देखने का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मूवी कई सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएगी और बॉक्स ऑफिस में तोड़फोड़ कमाई करेगी और इस मूवी को सुपर हिट होने में किसी का वह भी रोक नहीं पाएगा, मैं लीक कर देता हूं। और इस मूवी की टीजर की बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा हुआ है। टीजर के हिसाब से अगर मैं इस टीजर को एक लाइन में रिव्यू करूँ तो मैं एक ही बात बताऊंगी, इस टीजर को कोई भी खराब नहीं कह सकता है क्योंकि ये इतना औसम है लोगों के दिल को खुश कर देगा। और अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, उससे पहले हम कमेंट करके जरूर बताएं अपने से कनकन चोरी वाला मूवी देखना पसंद करते हो, चोरी वाला मूवी इससे पहले कोई देखे या फिर नहीं देखे तो कौन सी मूवी है उसका नाम क्या है नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की तो मैं आपको बता दूं ये मूवी को 20 अक्टूबर को अपनी नजदीक सिनेमा घर में देखने को मिल जाएगी जिसको हिंदी डब के साथ साथ कई सारे भाषा में रिलीज किया जाएगा।